हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग में। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज जाएंगे अलका की दवाई और पट्टी चेंज करवाने के लिए, और पापा का आज होगा यहाँ गले पर जो वो है ना गांठ, उसका ऑपरेशन। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में अंत तक। तो गोली लगी है सोने रात को, तो यार पूरी रात जाग गएगी और 8 बजे से तो इसने दूध भी नहीं पिया अब तक, सोने में मगन है पूरी। ये देखो जी, बस भूख लगी नहीं सभी। मम्मा लेटी हुई है इसके पास और हम इसको यहीं पे घर पे छोड़ के जाएंगे, और जब तक हम पट्टी चेंज करा के आएंगे ना तो तब तक ये यहीं पे रहेगी अकेली मार के पास। तो अभी अलका रेडी नहीं हुई, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। तो चलिए पापा की भी कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको कैसी कंडीशन है। और ये देखो जी, हमने आज अपनी पारों के सींग तला दिए हैं। देखो जी, अभी अभी डॉक्टर सींग तल का गया इसका, और उसके लगा रखा है जी कोलगेट। लोहे के रोड से गर्म करके सींग तले जाते हैं, केमिकल से अगर तलवाते हैं तो उससे जख्म ज़्यादा हो जाता है। ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा, बस सींग सींग पे लगाया जाता है और रोड लोहे के गर्म करके। और ये कोलगेट लगा दिए जी इसके, और पारो बैठी जी आराम से। और जी यहाँ पे लेटे हैं पापा जी। किस टाइम जाओगे? 10 बजे। तो चलिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज़ का ऑपरेशन होना है पापा का। ये गांठ बनी हुई है गाल के नीचे, और ये काफ़ी पुराने हैं, 32-33 साल से हैं, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी पापा निकलवाने की सोच रहे हैं, तो आज ऑपरेशन होगा इसका। तो आज पापा जाएंगे हॉस्पिटल में इसको निकलवाने के लिए, और कल काट लिया था हनी को मधुमक्खी ने, और उसके बांक में काटा है नीचे थन के पास में, और जिससे मधुमक्खी के काटने से इसमें सूजन आ चुकी है। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट दवाई मुझको मालूम थी पर मैंने दी नहीं, क्योंकि अभी ये प्रेग्नेंट है। इसको एविल 25 की गोली देनी थी, फिर भी मैंने डॉक्टर से सलाह ली, मैंने दी नहीं। वैसे अब जब डॉक्टर आए थे ना, तो मैंने उनसे सलाह ली कि उन्होंने बोला इस पर थोड़ा सा खट्टी चीज़ होती ना जो अचार नींबू वगैरह, वो रगड़ दो तो ठीक हो जाएगा। तो मैं चल जाऊँ जी ऊपर। ऊपर का कम से कम हमें हो गया 26 सितंबर से हम ऊपर कम ही आते हैं, सोने के लिए आते हैं। तो ऊपर आ चुका हूँ मैं। बाबू जी ने बताया यहाँ पर परस, रेनू बाबू जी लगे हैं परस देने में। तो थोड़ा सा बाकी रह गया है ब्रस धोना, वो बहुत ही लंबा चौड़ा बरामदा है हमारा, इसमें पोछा लगाते लगाते थक जाते हैं। बैठकर पोछा लगाना होता है ना, वाइपर वगैरह नहीं ला रखे हमने। अला नाक लगाया जी भाभी जी की हेल्प करने के लिए। क्या कर रहा भाई? हैं? क्या खिल गया था? क्या है? गोल घूम गया था। तो पोछा लगवा दे, अरे साफ करवा दे जल्दी जल्दी, बाल्टी भर के। है भर गई? भर गई तो ले जा, ले जल्दी। तेरे पर नहीं आती ठाणी, और मम्मी पे आवे टाणी। नाल है? गर्मी हो रही, नाल है? गर्मी है? बंद कर दे से टंकी को। तो ये देखो, देखो जी ये है पत्ता चाटा का पेड़। इसके पेड़ पत्ते से ही उग जाते हैं यहाँ से ही,
तो मैं एक जगह से लेकर आया था और मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो अभी काफ़ी बड़ा होने लग रहा। अभी बहुत छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा मैं जब लेकर आया था इसको। और अब जा पानी वानी वगैरह मैं इसमें डालता रहता हूँ, सूखने नहीं देता। और बहुत ही काम की चीज़ है ये, स्टोन वगैरह पत्थरी जो हो जाती है ना गुर्दे में, उसमें उसको निकालने में काम आ जाएंगे। ये एलोवेरा है जी, और उसमें तुलसी का पेड़ सूख गया जी। तुलसी के पेड़ तो सारे ही सूख गए, देखो हमारे एक है ये बस थोड़ा सा हरा और होने लग रहे जी। इसमें खुश में होने लग रहे तुलसी के पेड़ तीन चार, और फिर इन्हें उतार के लगाते हैं जी इसमें। तो जी अब चलते हैं, तो जी नीचे रेडी हो गई होगी हल्का, और अब चलते हैं डॉक्टर के यहाँ पर। और पोछा भी लग गया, बड़ा लग रहा है, यो मस्ती ले रहा है पूरी पानी में। तो मुल्तानी मिट्टी की है ये सारी, खिला दी आज बंदरों ने। गंदे हो रहे गंदा हो रहा ना परस दुआ तो जल्दी जल्दी। तो जी हल्का हो गया यार रेडी, और कागज़ लेकर जाने हैं हमें अपने, जो भी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह दे रखे हैं उन्होंने वो सब लेकर जाना है। इसमें से वो निकाल दियो, वो जन्म प्रमाण पत्र का वो दे रखा ना उन्होंने, ये निकाल दिया। तो अब जाने के लिए हो गई जी रेडी, और चलते हैं बस, फिर लेट ही होंगे, फिर पापा को भी जाना है अब छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब ने अलका की पट्टी चेंज कर दी है, और यहाँ पर एक हफ्ते की दवाई लिख दी है। और ये बैठे हैं नीरज भैया जी, ये हमारी दवाइयाँ निकाल रहे हैं जो हमको ले जाने हैं घर पर अलका के लिए। और ये निकाल दिए हैं इन्होंने दवाइयाँ सुबह शाम दोपहर की, और इसके बाद दवाई खाने से हो जाएगी अलका की छुट्टी। तो दवाई लेकर आ चुके हैं जी घर, और सब ठीक ठाक है, वैसे नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। टैंक आप खाने पीने को बता दिया, सब कुछ खाओ हल्का थोड़ा थोड़ा, वैसे बिल्कुल ठीक निकले टैंक, चलने फिरने को घूमने को सब कुछ बता दिया भैया, बस चढ़ना नहीं जीने जलना, बस ऐसे सारे काम करो। कर दीजिए अपनी बहन की देखभाल गोरी की, रो रही थी यहाँ, रो रही थी, क्या कह रही थी, मम्मी कहाँ गई, दवाई लेकर आई, बताते थे नगोरी को। अच्छा अब इसे एकदम खुशबू आ गया, रोने लगी, ए भूख लगी का गोरी, गोरी ए भूखी होगी, भूखा होगा, भूखा मेरे नुंडा भूखा होगा भाई, वाले नहीं 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 अभी पिलाओगी, अभी पिलाओगी, अभी पिलाओगी बुब्बू, बुब्बू अभी पिलाओगी, अरे नहीं 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 खिला ले इसके ऊपर ना, हाथ पैर रख दिए, और ये सब सो गए जी, अन्ना जी भी सो गया, अधिराज भी सो गया, जाग दी, और बच्चे जा रहे जी स्कूल। पियू भी जा रही स्कूल, और तू भी जाएगा स्कूल, क्यों यही फोन देखा करा की, तो अपने ब्लॉग को यहीं करता हूँ जी समाप्त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, राम राम, बाय बाय।